नमस्कार, स्वागत है आपका खबर योगी तक में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। थाना चुरकी पुलिस एवं एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना चुरकी क्षेत्र अंतर्गत हुई 40 वर्षीय महिला की हत्या की घटना का 8 घंटे के अंदर जालम पुलिस ने किया खुलासा। अभियुक्त को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार करने के संबंध में जालम पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई बाइट। चुरकी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या हुई है, सर क्या है पूरा मामला? आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जिनका नाम गीता देवी है, वो अपने घर से कल सुबह से मिसिंग थी। उनके परिवार ने रात को सूचना दी थी और उस सूचना के आधार पर पुलिस लगातार उनको तलाश कर रही थी। आज सुबह ये सूचना मिली कि उनका शव वहीं पर एक खेत में बिनौरा खुर्द गांव में चुरकी थाना अंतर्गत हुआ आता है, वहां पर उनका शव पड़ा हुआ मिला है। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुँचा, फील्ड यूनिट पहुँची, मेरे द्वारा स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया गया और टीमें इसमें गठित की गई, एसओजी सर्विलेंस और थाना टीम, और लगातार इसमें कार्रवाई की गई और काफ़ी अहम साक्ष्य सभी टीमों ने मौके से जुटाए और उसके आधार पर जब हम लोग आगे बढ़े तो इसमें एक व्यक्ति जिस सहदेव पाल उसको गिरफ्तार किया गया है और जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास है और ये भी बिनौरा वैद्य का ही रहने वाला है। इससे पूछताछ जब की गई तो इसने ये बताया कि इसके खेत से जो महिला है वो बाजरा वगैरह काटने आया करती थी और इस बात का इसने विरोध किया, जिसको लेके इसने महिला के साथ कल कुछ बोला जिसके महिला ने नाराज़ होके इसकी पिटाई कर दी थी और उससे क्षुब्ध होके इसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी इसने कुल्हाड़ी महिला के सिर के पीछे मार दी, जिससे अधिक रक्त बह जाने के कारण महिला की मृत्यु हो गई थी। और फिर इसके बाद इसने साक्ष्य मिटाने के भी वहाँ प्रयास किए थे एक फावड़े से और खून वगैरह इसने गड्ढे में दबाया था, तो इसके पास से वो फावड़ा भी बरामद हो गया और वो कुल्हाड़ी भी जो बरामद कर ली गई है पुलिस ने, जिससे महिला की हत्या की गई थी। इसके अतिरिक्त बहुत इम्पॉर्टेंट साक्ष्य जो हमारी फील्ड यूनिट ने मौके से उठाया था, एक इसकी शर्ट का, इसके कुर्ते का एक बटन था, उसी के आधार पर क्लियर हुई चीज़ें, वो इसका कुर्ते का जो बटन था वो इसके कुर्ते से मैच किए और ये बहुत ही अच्छे एविडेंस था जिसके कारण हम लोग ये इस्टेब्लिश कर पाए कि ये वही सेम व्यक्ति है और इसने फिर पूछताछ में सारी चीज़ें इसने बता दी, इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी।